से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएच बेरोजगार भत्ते पर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर लेकर आ चुके हैं दोस्तों। आज बिल पास का भी धमाका फिर से हुआ है अप्रैल 2024 का। तो अब तक कितने जिलों के अप्रैल के बिल पास हो चुके और दोस्तों आज कुल 25,936 आवेदनों को अप्रूव कर दिया गया है और लास्ट किस डेट तक के फॉर्म अप्रूव किए गए हैं तो हम वीडियो में बात करने वाले हैं आगे क्या करना होगा। और जयपुर हेड ऑफिस द्वारा दोस्तों पेमेंट को लेकर भी अच्छी अपडेट मिल चुकी है। पेमेंट का भी अब इंतजार खत्म होने वाला है तो कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिनके वेरीफाई फॉर्म है या फिर पेमेंट के बारे में, दोनों के बारे में बोला था, देखो 10 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो आखिर एक चीज तो सच हो गई, इसमें से फॉर्म अप्रूव तो हो गए हैं और नेक्स्ट कब होंगे उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बाकी रही पेमेंट की बात, तो पेमेंट के बारे में भी क्या अपडेट मिली है तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर चलो वीडियो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किस डेट तक के फॉर्मों को अपलोड किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आज 10 सितंबर को ये फॉर्म अपलोड किया गया है जो कि 8 जुलाई 2023 का वेरीफाई फॉर्म है। तो देखो दोस्तों पहले 7 मई तक के फॉर्मों को अपलोड कर दिया गया था और अब 8 मई यानी कि दोस्तों 8 मई से जितने भी फॉर्म वेरीफाई थे तो वह 10 जुलाई तक के फॉर्मों को अपलोड कर दिया गया है। तो सभी साथी अपना फॉर्म जरूर चेक कर ले, स्टेटस चेक करना नहीं आता उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी है कि 10 जुलाई 2023 तक के फॉर्मों को अप्रूव कर दिया गया है बहुत ही भारी संख्या में। दोस्तों पहले 20,000 फॉर्मों को ही अप्रूव किया गया था लेकिन अब की बार 25,000 यानी कि 5,000 फॉर्मों को ज़्यादा अप्रूव किया गया है और नेक्स्ट कब होंगे उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। बाकी आप इन फॉर्मों को देख सकते हो, इसमें दोस्तों ये 26 जून का है और इसमें दोस्तों जुलाई आप देख सकते हो 8/7/2023 का। तो दोस्तों ये जुलाई तक के फॉर्मों को, 10 जुलाई तक के फॉर्मों को अपलोड कर दिया गया है। तो सभी साथी चेक कर लेना। और दोस्तों जुलाई की अटेंडेंस चेक भी हो रही है, कल की डेट में ये अटेंडेंस चेक हुई है जुलाई माह की। तो आप सभी अपनी अटेंडेंस को ज़रूर चेक करें, अगर आपकी अटेंडेंस चेक नहीं हुई है तो एक बार ज़रूर चेक करें क्या मिस्टेक है। अगर वेरीफाई हो चुकी है तो दोस्तों नो टेंशन रहो, बिल बन जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम आगे बात करें तो जिनके नए फॉर्म अपलोड किए गए थे उनको सबसे पहला शॉर्टकट काम आपको बता दे दोस्तों। देखो आपको 15 दिन के अंदर आपको टेक्निकल कोर्स की डिटेल फिल करनी होती है अपनी एसएसओ आईडी में। अगर आपने पहले ही ये बीएड आईटीआई वगैरह का डिप्लोमा लगा दिया था आरसीआईटी का तो आपको डायरेक्ट डिपार्टमेंट अलर्ट करवा दिया जाएगा, उसका मैसेज आपके या तो मोबाइल पर आ जाएगा या फिर एसएसओ आईडी में वहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों आप चेक करते रहना और उसके बाद में आपको 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर बनवा कर अपलोड करना होता है तो और उसके बाद में महीने के महीने अपनी अटेंडेंस अपलोड करनी होती है 1 से 5 तारीख के बीच में। तो ज़्यादा इसमें कुछ भारी आपको काम नहीं है। हाँ जिन्होंने अगर पहले टेक्निकल कोर्स की डिटेल फिल नहीं की थी तो उनको दोस्तों देखो 15 दिन का टाइम दिया जाता है टेक्निकल कोर्स की डिटेल जल्दी से फिल करें, आपको डिपार्टमेंट तभी मिलेगा ठीक है, नहीं तो दोस्तों आपका बेरोजगारी भत्ता बंद भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सभी साथी समझदार हैं ऐसे तो पढ़े लिखे हैं, बाकी जिनको समझ में नहीं आए वो कॉमेंट कर सकता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बिल पास को लेकर तो सबसे बड़ी अपडेट चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी आ रही है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का अप्रैल 2024 का बिल पास हो चुका है मेल और फीमेल कैंडिडेटों का, आप सभी साथी चेक कर सकते हो अपना बिल। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट जिले की हम बात करें कोटा डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ी अच्छी अपडेट है कि कोटा वालों का भी अप्रैल 2024 का बिल पास हुआ है। बाकी दोस्तों हाँ कोटा डिस्ट्रिक्ट में अभी सभी का बिल पास नहीं हुआ है, हमने जनसूचना पोर्टल पर भी चेक किया था तो बहुत कम साथियों का शो हो रहा है बिल, तो एक बार अपना बिल जरूर चेक करें और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों देखो यार प्रॉब्लम बताया करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम रहती है हम सोल्व करते हैं। बाकी दोस्तों आज भी हमने पहले पिछले वाले वीडियो के कॉमेंट चेक किए थे तो उनमें ज़्यादातर पेमेंट को लेकर ही कॉमेंट आ रहे हैं कि पेमेंट कब आएगा कब आएगा, तो उसका भी आपको इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर कोटा डिस्ट्रिक्ट वाले भी सभी अपना बिल जरूर चेक करें, मेल और फीमेल कैंडिडेटों का अप्रैल 2024 का बिल पास है सभी साथी चेक करें। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जिलों का अभी अभी जो बिल पास हुआ है तो वो कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में बात करें आगे। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों बड़ी अपडेट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से भी आ रही है, अप्रैल 2024 का उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का भी मेल और यहां पर देख सकते हो फीमेल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है। तो सभी साथी एसटी एससी सभी कैटेगरियों में सभी साथी बिल जरूर चेक करें, जिनका बिल पास नहीं हुआ वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। बाकी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का बिल पास हो चुका है अप्रैल 2024 का। इसके अलावा नेक्स्ट जिले की हम बात करें तो दोस्तों जो हमारा गृह जिला जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट, तो इनका भी दोस्तों अप्रैल 2024 का बिल पास हो चुका है, बिल ज़रूर चेक कर ले। जो भी टोंक डिस्ट्रिक्ट से हैं सभी का बिल पास हो चुका है अप्रैल 2024 का।
तो सभी साथी बिल जरूर चेक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो बाकी दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो अब तक कितने ज़िलों के बिल पास हो चुके हैं, तो दोस्तों इन 18 ज़िलों का अब तक बिल पास हो चुका है अप्रैल 2024 का। तो दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में आपको पाली और सिरोही का बिल बता दिया था, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक, उदयपुर, तो इन 4 ज़िलों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट थी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अब तक 18 ज़िलों का बिल पास हो चुका है, बहुत जल्द अप्रैल 2024 के बिल पास खत्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो आप अपनी अटेंडेंस को जरूर चेक करते रहे। बाकी दोस्तों इसके बाद में रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट के बारे में बात कर लें तो पेमेंट का इंतजार खत्म हो चुका है दोस्तों। जयपुर हेड ऑफिस द्वारा देखो अच्छी अपडेट मिली है, तो वो क्या अपडेट है, तो देखो दोस्तों पहले जो फॉर्म आगे यानी कि आगे जो जगह थी तो वह भर चुकी हैं, बाकी नेक्स्ट फॉर्म अप्रूव भी होने वाले हैं। ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि पूरे 25,000 ही टोटल खाली पद हैं, नहीं दोस्तों अभी भी और जगह हैं, तो और कुछ फॉर्म अप्रूव होने की पूरी संभावना है, या तो कल परसों हो जाए या फिर दोस्तों महीने के लास्ट में या फिर महीने के फर्स्ट वीक में। तो देखो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म अप्रूव देखने को मिल सकते हैं, तो आखिरकार दोस्तों 10 सितंबर आज की डेट में फॉर्म अप्रूव हुए हैं, 25,936 फॉर्मों को अप्रूव किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। बाकी नेक्स्ट फॉरम दोस्तों महीने के लास्ट में या फिर एक दो दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी अगर ऐसा होता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। बाकी रही दोस्तों पेमेंट की बात, तो देखो पेमेंट को लेकर बहुत से साथियों का सवाल है कि पेमेंट कब तक आएगा, कब आएगा, आप डेट बताओ। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सितंबर के महीने में आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा, 15 सितंबर से पहले पहले शायद दोस्तों आपको पेमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉर्मों की बारी थी, जो फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं अब पेमेंट की बारी है दोस्तों। तो अब देखते हैं पेमेंट कब तक आता है, आगे से तो अपडेट मिल रही है कि एक दो दिन के अंदर आपका पेमेंट कर दिया जाएगा 4-5 महीनों का। और दोस्तों आपने पिछली बार भी देखा होगा 7-8 महीनों का एक साथ पेमेंट आ गया था, तो 5-6 महीनों का ज़्यादा भारी बात नहीं है, तो आपका पेमेंट बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी आप अपनी अटेंडेंस पर ध्यान दो, और जिनके फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं तो वह साथी देखो अपनी टेक्निकल कोर्स की डिटेल जल्दी से फिल करो ताकि आपको डिपार्टमेंट अलर्ट करवाया जाए। बाकी दोस्तों अगर कोई भी आपको बेरोजगार भत्ते के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट बॉक्स में बताओ, आपका जवाब जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेरोजगार भत्ते की अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।